एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ साइबर सिक्योरिटीज। हेलो एंड वेलकम टू मैनेजमेंट IQ। आज के वीडियो में हम लोग मेनली डील करेंगे एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ साइबर सिक्योरिटी। थोड़ा सा साइबर सिक्योरिटी के बारे में जान लेते हैं। साइबर सिक्योरिटी क्या होता है? तो ये एक टाइप का प्रैक्टिस होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है हमारे क्रिटिकल सिस्टम को और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को फ्रॉम डिजिटल अटैक। जो हमारे कंप्यूटर पर अटैक होते हैं हैकर्स द्वारा, उन्हें उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे इन्फॉर्मेशन को साइबर सिक्योरिटी का यूज़ करा जाता है। सो स्टार्टिंग आवर टॉपिक एडवांटेजेस ऑफ साइबर सिक्योरिटी। फर्स्ट एडवांटेजेस है, साइबर सिक्योरिटी विल डिफेंड अस फ्रॉम हैक्स एंड वायरस। जैसा कि अभी हम आपको डेफिनेशन के तौर पर समझाएं कि साइबर सिक्योरिटी का मेन फंक्शन होता है कि वो हमें हैकर और अनमालवेयर फंक्शन से प्रोटेक्ट करें, हमारे इंफॉर्मेशन, हमारे डाटा को, हमारे कंप्यूटर के नेटवर्क को ब्रीच ना होने दे। कोई थेफ्ट, कोई हैकर हमारे कंप्यूटर के डाटा को चोरी ना कर सके, इस कारण से साइबर सिक्योरिटी यूज़ होता है। तो एक एडवांटेजेस ये होता है साइबर सिक्योरिटी का कि वो हमारे डाटा को हेल्प करता है फ्रॉम प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हैक्स एंड वायरस। सेकेंड एडवांटेजेस इज साइबर सिक्योरिटी हेल्प अस इन प्रोटेक्टिंग आवर डाटा फ्रॉम द साइबर थेफ्ट। हमारे डाटा को प्रोटेक्ट करता है साइबर सिक्योरिटी थेफ्ट से, हैकर से। थर्ड एडवांटेज इज इट इंश्योर डाटा रिलायबिलिटी एज द यूजर कैन बी फुल्ली डिपेंडेंट ऑन दी गिवन रिपोर्ट। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि जिस पर आप पूरी तरीके से निर्भर हो सको। तो साइबर सिक्योरिटी अपने कस्टमर को ये निश्चय रूप से कह के देता है कि यू कैन बिलीव इन मी कम्प्लीटली। यू आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं आप रख सकते हो जब मैं आपके पास हूँ तो। फोर्थ पॉइंट इज साइबर सिक्योरिटी हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम द हैकर एंड द अदर अनवांटेड पर्सन टू एंटर। हमारे कंप्यूटर, हमारे पीसी में अनवांटेड अथॉरिटी को इंटर करने से साइबर सिक्योरिटी मदद करता है। वो हमें बिना पता चले ही साइबर सिक्योरिटी अनवांटेड अथॉरिटी, अनवांटेड पर्सन को आने से रोक देता है। फिफ्थ पॉइंट इज साइबर सिक्योरिटी हेल्प अगेंस्ट प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम द अनवांटेड सॉफ्टवेयर। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके कंप्यूटर में, आप अगर किसी वेबसाइट पे जाते हो तो बहुत सारे हैकिंग टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर बन करके उस वेबसाइट पर रहते हैं। सो उनसे प्रोटेक्ट करता है हमारे साइबर सिक्योरिटी, उन्हें ओपन होने ही नहीं देता। आप जब क्रोम में जा करके या गूगल में जा करके किसी चीज़ को सर्च करते हो, वो चीज़ आपके पीसी में ओपन होता है, साइबर सिक्योरिटी आपको पहले ही नोटिफिकेशन दे देता है कि ये आपके लिए सेफ नहीं है या ये अनवांटेड है, ये फ्रॉड एंड मेल है, डोंट ओपन दिस। सो साइबर सिक्योरिटी इन दिस प्लेस हेल्प अस इन प्रोटेक्टिंग फ्रॉम अनवांटेड सॉफ्टवेयर टू बी ओपनड इन आवर पीसी और इन आवर लैपटॉप्स, कंप्यूटर एक्सेट्रा। साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड द प्राइवेसी टू इट्स यूजर। हम जो यूज़र होते हैं साइबर सिक्योरिटी के, उन्हें एक टाइप का प्राइवेसी प्रोवाइड करता है साइबर सिक्योरिटी कि उनके अलावा उनके वो जब तक वो पासवर्ड नहीं डालेंगे अपना, तब तक साइबर सिक्योरिटी वो पीसी, वो कंप्यूटर को ओपन नहीं होने देगा। साइबर सिक्योरिटी एलिमिनेट्स द अनवांटेड एक्सटर्नल थ्रेट फ्रॉम आवर पीसी। अनवांटेड एक्सटर्नल थ्रेट जो हैकर्स होते हैं, उनसे हमारे पीसी को दूर दूर तक नुकसान ना पहुंचे, इसका सुनिश्चित करके साइबर सिक्योरिटी हमें देता है। वाइल एलिमिनेटिंग ऑल दोज अनवांटेड थ्रेट, इट कीप्स द साइबर स्पेस सेफ एंड क्लीन। साइबर जो थ्रेट हमारा होता है उसे आने से पहले ही साइबर सिक्योरिटी हटा देता है, इस कारण से हमारा जो साइबर स्पेस होता है, जो हमारे पीसी में एक साइबर स्पेस करके या थ्रेट वार्निंग स्पेस करके एक एरिया बने होते हैं, वो एरिया को फुलफिल होने से पहले ही साइबर सिक्योरिटी बंद कर देता है। उसके ओपन होने या उसके क्लोज होने से पहले ही हमारा जो साइबर सिक्योरिटी है वो थ्रेट को हटा देता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ द लिमिटेशंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी। पहला लिमिटेशन, इंस्टॉलेशन ऑफ साइबर सिक्योरिटी इज एन कॉस्टली अफेयर। बहुत महंगा होता है साइबर सिक्योरिटी को इंस्टॉल करना। सेकेंड इज बैड कॉन्फिग्रेशन मे बी डिजास्टरस, एज वेन वी डू द असॉर्टमेंट बैडली इट लीड टू अ डिजास्टरस रिजल्ट। जब हम लोग अपने डाटा को, अपने
जो हमारा इन्फॉर्मेशन होता है अगर उसे हम अच्छे तरीके से नहीं अरेंजमेंट कर पाते तो वो एक डिजास्टर रिजल्ट में आता है। जब हम अपना साइबर सिक्योरिटी को करेक्टली नहीं पुट ऑन कर पाते तो वो एक डिजास्टर रिजल्ट के रूप में आता है। थर्ड इज व्हेन समटाइम्स द सिक्योरिटी इज हैक्ड और द डाटा इज ब्रीच, देन एट दैट टाइम चूजिंग द राइट सॉल्यूशन फॉर इट इज अ लेंथी टास्क। अगर आप अपने कंप्यूटर में साइबर सिक्योरिटी नहीं रखो या फिर रखे भी हो और उसे आपने, जैसे कि सेकेंड पॉइंट में कहा कि बैड कन्फिग्रेशन में भी डिजास्टरस, तो अगर आपने गलत तरीके से साइबर सिक्योरिटी को पुट करा हुआ है तो जब हमारा डाटा हैक होगा या ब्रीच होगा हमारा डाटा, तो उस समय साइबर सिक्योरिटी को फिर से सही रूप में लाना वॉज अ लेंथी टास्क। और ये गारंटी नहीं होता कि आप अपना डाटा फिर से रिकवर कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। ऑपरेटिंग अ साइबर सिक्योरिटी इज एन टफ जॉब, सो एज अ रिजल्ट इट मेक्स थिंग्स स्लोअर। एक साइबर सिक्योरिटी को ऑपरेट करना बहुत टफ काम होता है, उसके लिए डिग्री ली जाती है, उसके लिए पढ़ाई करा जाता है। ये एक बहुत टफ काम होता है और इसका परिणाम स्वरूप ये होता है कि ये बहुत स्लो काम करता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ फोर, साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन इज वन ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड टास्क। साइबर सिक्योरिटी जैसे अभी आपको बताया कि उसको उसका स्टडी होता है, उसका डिग्री ली जाती है, तो वो एक कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, उसको अंडरस्टैंडिंग एक कॉम्प्लिकेटेड टाइप ऑफ फॉर्म है। इट नीड कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग, आपको कॉन्स्टेंटली अपने कंप्यूटर अपने पीसी के साथ कनेक्टेड रहना है ताकि आप अपना जो हैकर है उन्हें स्पॉट कर सके और एट द सेम पॉइंट उन्हें हटा भी सके। इट कैन बी ऑफ मैसिव रिस्क एज अ सिंगल मिस्टेक कान बी टॉलरेटेड एट ऑल इन दिस। अगर एक छोटा सा भी गलती आपके साइबर सिक्योरिटी में आपने कर दिया तो ये एक मैसिव मिस्टेक के रूप में उभर कर आ सकता है। सेवेंथ इज इट इज वन ऑफ द सॉरी एट इज इट इज़ वन ऑफ द लॉन्ग प्रोसेस एज सब्जेक्टेड फ्रॉम इज नेचर ऑफ फील्ड। अभी आपको बताया मैंने कि इसका स्टडी बहुत लेंदी होता है, इसको इंस्टॉल करना, इसको मॉनिटर करना एक लेंदी टास्क होता है। एज पर इट्स स्टडी इट्स नेचर ऑफ इंस्टॉलेशन, ये सब्जेक्ट इसका एक एस कहा जाता है साइबर सिक्योरिटी को कि ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। अगर आप साइबर सिक्योरिटी इंस्टॉल करवाते हो अपने पीसी अपने ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस अपने फर्म में तो ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो। अगर आपको कहीं पे भी डाउट है या क्वेरी है तो डू आस्क मी इन दी कमेंट सेक्शन, और अगर आपको किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ डू आस्क मी इन दी कमेंट सेक्शन, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।